Hi everyone, welcome to my channel. In today's video I am going to show you this beautiful but at the same time very simple eyeshadow look. So ये silver black smoky eyeshadow look है. So अगर आपको देखना है कैसे इस look को आप create कर सकते हो then please keep on watching this video. तो सबसे पहले sharp edges के लिए मैं एक sticky tape apply कर रही हूँ अपने outer corner पे. इससे बहुत easily sharp edge मिल जाएगा outer corner पे. इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ब्लैक कलर का शेडो एक पेंसिल ब्रश में लेके और इसको मैं ऐसे विंग अप्लाई करते हुए स्टार्ट करूँगी और उसको क्रीज पे भी लेके जाऊँगी. तो धीरे धीरे मैं कलर को प्लेस करते हुए ब्लेंड करूँगी एंड ऑल्सो इंटेंसीफाई करूँगी बट एट ए टाइम बहुत कम प्रोडक्ट ले. सो ये आउटर विप पे काइंड ऑफ विंग के जैसे होगा. बहुत ज़्यादा क्रीज पे नहीं लेके जाना है बट लैशेस के साथ आपको कनेक्ट कर लेना है एज यू कैन सी जैसा मैं कर रही हूँ यहाँ पे. इसके बाद मैं एक स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश ले लूँगी. ये बहुत ज़्यादा फ्लफी नहीं है एंड साइज में बहुत छोटा भी है. सो मुझे कंट्रोल्ड वे में थोड़ा सा सॉफ्ट करना है एज को ब्लैक शेडो के. सो मैं जो क्रीज पोर्शन पे जितना शेडोज़ है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी ताकि ये बहुत हार्श एजेस ना दिखे यहाँ पे. इसके बाद सिल्वर कलर का एक फॉइल आई शेडो मैं अप्लाई कर रही हूँ. ये पैलेट है हुडा ब्यूटी मर्करी रेट्रोग्रेड पैलेट. आपके पास कोई भी पैलेट में सिल्वर कलर का शिमरी या फॉइल शेडो हो तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं एक स्मॉलर फ्लैट ब्रश के साथ कलर को मैं प्लेस कर रही हूँ और ये शेडो काफ़ी पिगमेंटेड है एज यू कैन सी. और इसको मैं धीरे धीरे इंटेंसिफाई कर रही हूँ, धीरे धीरे इसको प्लेस कर रही हूँ. सो कलर को मैं पूरे लीड पे अप्लाई कर लूँगी आउटर वी को छोड़ के, जहाँ पे भी ब्लैक शेडो अप्लाई किए थे उसको छोड़ के फ्रंट सेक्शन टू आउटर वी. सो ये आई शेडो लुक बहुत ही सिंपल है. आप अगर बिगनर हो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो, ये आप क्रिएट कर पाओगे. इसके बाद लाइनर अप्लाई करूँ, ये ऑप्शनल है. अगर आपको लाइनर पसंद है देन यू कैन अप्लाई दिस, अदरवाइज स्किप कर सकते हो. सो यहाँ पे मैं एक विंग आई लाइनर अप्लाई करी हूँ और साथ में पॉइंटेड इनर कॉर्नर भी क्रिएट की हूँ. सो अगर आप विंग आई लाइनर नहीं पसंद करते हो देन यू कैन स्किप दिस स्टेप. इसके बाद मैं स्टिकी टेप को रिमूव करूँगी एंड यू कैन सी कितना शार्प एजेस मिला है हमें. इसके बाद ब्लैक कलर का काजल अप्लाई कर रही हूँ लो और वाटर लाइन पे एंड उसके बाद ब्लैक शेडो को लेके लैश लाइन के क्लोज क्लोज मैं थोड़ा सा सॉफ्टली बट स्मोकी इफेक्ट दूंगी एज यू कैन सी. एंड सिल्वर जो फॉइल शेडो था उसको मैं एकदम इनर कॉर्नर के साइड पे अप्लाई कर रही हूँ एंड ऑल्सो इनर वी पे भी अप्लाई कर रही हूँ. इसके बाद मस्कारा अप्लाई करूँगी अपर एंड लोअर लैशेस पे. काफ़ी बार कोट कर लूँगी मस्कारा को और फिर आईब्रो बोन को हम लोग हाईलाइट करेंगे विद सम हाईलाइटर. सो हियर इज़ द फाइनल फिनिश लुक. मैंने फोर्स आई लैशेज अप्लाई किया है इसके बाद. लेट मी नो आपको ये लुक कैसा लगा. आई होप आपको भी सिंपल लगा होगा एंड अच्छा लगा होगा. सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.